हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज रहा है, तो इस समय का भी कुछ इस प्रकार का है। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊँगा, मैं जो भी माल बेचता हूँ, जो भी फेरी में कपड़ा बेचता हूँ, उसका मैं लिस्ट बना के आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोग लिस्ट बना सकते हैं, जो भाई लोग नए फेरी करना चाहते हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। और बार बार कमेंट आ रहा था कि एक बार लिस्ट आप बना के बताइए कि आप कौन कौन सा माल बेचते हैं। तो जो मैं बेचता हूँ वो आप लोग को दिखाऊंगा और बताऊंगा, वो आप अपने हिसाब से उसमें ऐड कर सकते हैं और छांट सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि मैं कौन कौन सा माल बेचता हूँ। तो दोस्तों हमने लिस्ट बनाया है कितना, 26 आइटम का। तो आप लोगों को बता देते हैं कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले एक नंबर में दोस्तों मैंने लिखा है लैगी, जो कि 7 वर्ष से 8 वर्ष लड़की के होता है। उसके बाद में 12 लैगी है, और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सब दोस्तों लायलून वाला है। और जो सूती वाला होगा मैं बता दूंगा कि कौन सूती वाला है। उसके बाद में प्लाजो 5 वर्ष का, प्लाजो 7 वर्ष लड़की का, प्लाजो 10 साल का, प्लाजो 13 साल का, प्लाजो 18 साल का यानी कि सियान वाला। फिर आता है प्लाजो सूती वाला 12 साइज में। उसके बाद लैगी अच्छा वाला, सूती में लाइन में भी और सूती में भी आता है। तो दो तीन प्रकार का लेगी भी अच्छा वाला होना चाहिए। ये लाइन वाला छोड़ करके अपने हिसाब से रख लीजिएगा, उसमें जो आइटम तो बहुत हो जाएगा लेकिन अपने हिसाब से छांट सकते हैं। तो लेगी 12 वाला अच्छा के साथ प्लाजो सेट कुर्ती, दो ऐसे 3-4 प्रकार का होता है, मैं 2 ही प्रकार का रखता हूँ। कुर्ती 12 3-4 प्रकार का यानी कि सिंगल सिंगल खाली कुर्ती ही रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। तो कुर्ती 3-4 प्रकार का ले सकते हैं। और उसके बाद में 90 दो प्रकार के सूती में और एक प्रकार के लाइलून में, 3 प्रकार के 90 हो गया दोस्तों। उसके बाद दुपट्टा 3 प्रकार का, एक शिफॉन, एक सूती, एक स्टॉल, 3 प्रकार का दुपट्टा हो गया। बंडी टी शर्ट यानी कि बंडी टी शर्ट, अब गर्मी आ गया था दोस्तों, गर्मी में बंडी टी शर्ट सब पैंट सब बिकता है, तो अब आता है गर्मी वाला। तो बंडी टी शर्ट 4 साइज का होता है, यानी कि जन्मोती बच्चा से लेकर के 10 साल बच्चे तक आता है, जो मैं बेचता हूँ। और 32, 36, 40, 44 ऐसे नंबर भी आता है, और एक आता है 1, 2, 3, 4 ऐसा करके नंबर भी आता है। तो बंडी टी शर्ट 4 साइज सेमी, जो कि बांधने वाला होता है बच्चे का, जन्मोती बच्चे से लेकर के 3 साल 5 साल तक बच्चे का आता है, 5 साइज में आता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके आता है। तो आप अपने हिसाब से जो जो साइज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं 3 प्रकार के रखता हूँ, एक नंबर 2 नंबर, उसके बाद में 12 साइज में 5 नंबर बस। उसके बाद में हाफ पैंट है दोस्तों, जन्म 6 महीने के बच्चा से लेकर के हाफ पैंट, अब गर्मी आया तो हाफ पैंट चलेगा, तो 6 महीने से लेकर के 10 साल तक है। तो मैं रखता हूँ मात्र 1.5 साल वाला बस, और एक 5 साल वाला, और सियान वाला तो हाफ पैंट तो रहता ही है। उसके बाद में दोस्तों आता है ब्लूमर, ब्लूमर दोस्तों 7 साइज का होता है, 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक, या 24 नंबर से लेकर के और सीधे 40 नंबर तक ऐसे आता है। तो मैं 3 प्रकार का रखता हूँ, एक रखता हूँ 1 नंबर 2 नंबर और उसके बाद में 4 नंबर, 7 नंबर, यानी कि 1 साल भर तक बच्चे का, 1 5 साल बच्चे का, 1 सियान वाला, 3 साइज का रखते हैं। इतना साइज रखने तक कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जो ज़्यादा सेल होता है वही रखते हैं। टी शर्ट लड़की का 2 प्रकार का, ऐसा टी शर्ट तो बहुत साइज का होता है, 4-5 साइज का, लेकिन मैं 2 ही साइज का रखता हूँ, 10 साल बच्चे का टी शर्ट और 1 सियार वाला टी शर्ट जो हाफ आता है, हाफ टी शर्ट सूती वाला। उसके बाद में दोस्तों लुंगी, उसके बाद में तकिया खोल, उसके बाद में 12 टी शर्ट सेट यानी 12 बंडी सेट टी शर्ट, यानी कि बंडी वाला सेट आता है अच्छा में, सूती वाला कपड़ा में रेंज ज़्यादा रहता है, तो इनकम भी होता है उसमें, कमाई भी सही होता है, लेकिन सेल कम होता है। लेकिन मेल के लिए रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत आदमी अच्छा भी खोजता है इसके लिए। और जो बोले हैं 4 साइज का बंडी 6 महीने से लेकर 10 साल तक, वो लोकल में है, वो 13-14 रुपये तक खरीदारी है और 20 रुपये बिकता है, तो वो सब हो गया। ये सब है तो 40-45 रुपये से इसका खरीदारी ही है, और उसमें 10-15-20 रुपये रख करके बेच सकते हैं। अपना मार्जिन कई परसेंट आप रख कर बेचेंगे वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो क्या खोल के बाद दोस्त बंडी टी शर्ट सेट के बाद हो गया दोस्तों कैपरी, एक हाफ आता है 3/4 जैसे बच्चे का, नीचे रबर वाला, यानी कि 3/4 यानी कि थोड़ा सा नीचे रहता है, उसको कैपरी बोलते हैं।
वो भी रख सकते हैं। वो लायलून सूती दोनों में आता है, सूती वाला महंगा आता है, लायलून वाला सस्ता आता है। लायलून वाला 50 का बिकता है, सूती वाला 100 के आसपास बिकता है। तो ये सारे आपको बता दिए दोस्तों, और रेट दोस्तों नहीं बताए हैं, रेट ज़्यादा नहीं है, कम ही है। लहंगी प्लाजो सब है, प्लाजो है तो 22 रुपये से लेकर के प्लाजो लायलून वाला, और 50 तक आता है। और सेलिंग उसमें आप 10-20% रख करके बेच सकते हैं, 30-30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, ऐसे करके बेच सकते हैं। और एक हाथी प्लाजो नहीं बोला, एक दोस्तों हाथी प्लाजो नहीं लिखा हुआ है, हाथी प्लाजो एक होगा, वो सेल होता है अभी के समय में ठीक ठाक। तो यही है दोस्तों, भाई इतने 26-27 ऐसे तो आइटम बहुत हो जाता है अगर उसको बारी बारी से नंबर बाई नंबर रखेंगे तो। लेकिन मैं जैसे कि अब ब्लूमर है, ब्लूमर 7 प्रकार का होता है, मैं 3 ही प्रकार के रखता हूँ। तो ऐसे करके 26 आइटम हमने बनाया है लिस्ट, और आप लोगों को ये दे सकते हैं लिस्ट। तो लिस्ट भी डाल दूंगा, लेकिन लिस्ट डालूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने लिस्ट बना करके उसको बाद में पढ़ करके अच्छे से समझाने की कोशिश किया हो। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया कमेंट कीजिए, और थोड़ा सा हेल्प मिला है और आपको लगा है कि एक किसी और दोस्त के साथ भी शेयर करना चाहिए तो शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा सा मालूम हो जाए और वो भी अपना काम स्टार्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद कुछ नहीं है, सिर्फ मैं इसलिए बनाता हूँ कि मैं जो है ना स्टार्ट जब किया था कब, तो मैं यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला वीडियो, एक भी वीडियो नहीं मिला। अब सब बनाने लगा है, तब आने लगा है यूट्यूब पर, नहीं तो एक भी नहीं मिला 3-3.5 साल पहले। और जिसके वजह से जो है ना, मैं स्टार्ट करने के लिए सीतामढ़ी यहाँ से 20 किलोमीटर है, साइकिल से हमने खाली फेरी स्टार्ट करने के लिए 5-7 दिन तक गया वहाँ पे, लेकिन दुकानदार से हिम्मत नहीं किया बात करने का, तो नहीं कर रहा था, जाता था देख देख के चलाता था, लेकिन कैसे भी करके हिम्मत करके गया। और हाँ दोस्तों, आइटम जो है ना अपने हिसाब से रख सकते हैं, उसमें छांट भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने जिस एरिया में काम करना चाहते हैं उस एरिया में कौन सा माल ज़्यादा मांग करता है ग्राहक, जब आप काम स्टार्ट करेंगे और 2-4 दिन फेरी करेंगे तो कस्टमर मांग करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आइटम का माल मांग ज़्यादा है, उस हिसाब से आप जिसमें जिस आइटम का आप जिस एरिया में फेरी करेंगे उस एरिया में जिस आइटम का मांग कम होगा उसको धीरे धीरे कम करते जाइएगा, और जो आइटम का मांग ज़्यादा होगा उसको बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और फेरी कर सकते हैं। मैं लिस्ट बनाया हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं जो फेरी करता हूँ उसका, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप अपने एरिया के हिसाब से जब 2-4 दिन फेरी करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा आइटम का ज़्यादा मांग है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए, और साथ साथ डेली मोटिवेटेड रहने के लिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ और डेली फेरी पर जाता हूँ, तो जो भी सेल होता है, जो भी गांव घूमता हूँ, कितना दिन में घूमता हूँ, जो भी सेल होता है सारे आप लोगों के बीच में शेयर करता हूँ, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो और काम करने के लिए तैयार रहे हमेशा, क्योंकि थोड़ा सा सेल नहीं होता है तो निगेटिव होकर के बैठ जाते हैं। तो इसके लिए हमने रोज़ वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग वीडियो देख देख करके आप फेरी पर डेली निकले और अच्छे से फेरी करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।